नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वा अग्रवाल। विदर्भ सम्राट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना वायरस की पार्श्व भूमि पर बेरोजगारी का वायरस लोगों को घायल कर रहा है। ऐसी स्थिति में शादी पार्टी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, विवाह तो हो रहे हैं किंतु विवाह में केवल कुछ ही लोग उपस्थित हो रहे हैं एवं बैंड बाजा लाइटिंग यह व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं और भुखमरी की स्थिति का निर्माण हो रहा है। जो लोग दिन रात हमारे त्योहारों को रंगत लाते हैं आज उनके घरों में रोशनी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रशासन ने इनका सहयोग करना चाहिए और इनकी समस्याओं पर काम करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी समस्याएं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कितने सालों से यह व्यवसाय कर रहे हैं? लगभग मैडम 30-35 सालों से हम व्यवसाय कर रहे हैं। हमारे पीछे लगभग एक दुकान में 80-85 इसे वर्कर रहते, मतलब समझ लीजिए एक दुकान के ऊपर 300 परिवार का घर चलता है। इसमें बहुत तकलीफ हो रही है हमको भी, आने वाले ये बाजे वालों को भी, लाइट वालों को, धुमाल वालों को इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने सिर्फ 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, इसका ये सब किए है, लेकिन इससे क्या होगा? प्रशासन ने हमारी ओर ध्यान देना चाहिए, इसलिए हम आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन की परिस्थिति में आप पर किस प्रकार से आफत आन पड़ी है? मैडम एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी जितनी भी बुकिंगें रहती है वो एडवांस बेसिस पे होती है, जिसमें ग्राहक हमको अभी पहले सबसे पहले तो एडवांस की वापसी की मांग कर रहे हैं। उस हिसाब से हमारे जो कारागिर है उनके घर परिवार कैसा चलाया जाए वो हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो हमको इतनी आफत आ पड़ी है कि हम करें तो करें क्या, बस यही एक तकलीफ है और कुछ नहीं। सर, शादी के सीजन से आपका साल भर का खर्च निकल जाया करता था? बिल्कुल निकल जाता था। इससे होता था कि हम भी अपने आने वाली जो आने वाला प्लान करते थे और जो हमारे बाजे वाले वो भी अपने घरों में राशन भरना, बरसात कैसे निकालना है, घर को बांधना, शादी करना, ये सब चीजें भी वो इसी सीजन के भरोसे करते थे। इस व्यवसाय से जुड़े कितने लोग ऐसे है जो इस आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं? हमारे गोंदिया जिले की बात करेंगे मैडम तो इसकी तो अभी तक हमने गिनती ही नहीं लगाया है। सिर्फ हमने अभी एक सर्वे किया था तो जिसमें सिर्फ बाजे वाले 300 से 350 लोगों ने हमको सिग्नेचर दिया था। किसी ने सिग्नेचर, किसी को अंगूठा, जैसा भी जिनको जमता था उनके माध्यम से हमने SDO मैडम, कलेक्टर मैडम, विधायक साहब, आमदार साहब, जिसको भी देना था हमने ज्ञापन सब दे चुके हैं। इससे हमको क्या होता था कि पूरे बैंड वाले जितने हैं ना इसी के भरोसे सब कुछ करते थे। विदर्भ के माध्यम से मैं एक ही चीज दरख्वास्त करूंगा सरकार से कि हमारी परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाए। विदर्भ संवाद के माध्यम से आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से एक ही चीज अपील करना चाहते हैं कि प्रशासन के तरफ और हमारे तरफ प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। हमारा परिवार, बाजे वालों का परिवार, यहाँ तक कि पूरे महाराष्ट्र, गोंदिया जिला एकदम नक्सलाइट क्षेत्र में आता है, जिसके कारण ये सब चीजों में हमको बहुत जरूरत पड़ती है। बाजे से ही हमारा घर परिवार ये सब चीज चलता है, 35-40 सालों से हमारा काम है, तो इसी के भरोसे हम बहुत कुछ कर लेते हैं बस। सर, लॉकडाउन की परिस्थिति में आप अपना जीवन यापन किस प्रकार से कर रहे हैं? जब से लॉकडाउन बंद है तब से हमें बहुत परेशानी से झेलना पड़ रहा है जी। हमारा खानदानी धंधा यही है, हम इसी के भरोसे बच्चों को पढ़ाना, शादी ब्याह हो, दवा खाना हो, जो भी सब बाजे के भरोसे होता है। अभी जब से शादी ब्याह बंद है तब से हम पे बहुत संकट पड़ा। अभी हम ना शादी में ना कुछ आर साहब जो भी छोटे मोटे त्योहार वगैरह खुशी का, इसमें सरकार ने बंद कर दिया। लॉकडाउन के चलते जिनका घर ही शादी ब्याह से चलता है उनकी और प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और उन्हें आर्थिक सहायता करनी चाहिए। ब्यूरो विदर्भ सम्राट।